हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एपासन। सबसे पहले थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज मैं बताऊंगा आपको ऐसी क्रीपी और हॉन्टेड जगहों के बारे में जिनसे आप आए दिन गुजरते होंगे पर उनके छिपे राजों के बारे में नहीं मालूम होगा। देखते हैं मुंबई की ऐसी ही 5 हॉन्टेड जगहों के बारे में जो आपके बीच मौजूद हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है आर्य मिल कॉलोनी का। जी हाँ दोस्तों, ये वही हरी भरी बारिश में खूबसूरत दिखने वाली जगह है जो ढेर सारे पेड़ और सुंदर लेक की वजह से मुंबई में काफी पॉपुलर है। पर ये जगह सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हॉन्टेड होने की वजह से भी काफी जानी जाती है। ये देर रात गुजरने वाले हर इंसान के लिए डरावनी बन चुकी है। आज इन लोगों ने यहाँ क्लेम किया है कि उन्होंने एक औरत और उसके बच्चे को साथ में देखा है जो उनसे लिफ्ट मांगती है, बट गाड़ी रोकते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को भी देखा है जो काफी दूर तक उनकी गाड़ियों का पीछा करता है। कई बार यहाँ जंगली जानवरों का भी होने का सबूत मिला है। कितनी बार लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जंगली जानवर और अंधेरे में काफी सारी परछाइयां नजर आती हैं। तो अगली बार इस रास्ते से गुजरने से पहले एक बार जरूर ध्यान दें, हो सकता है आपका कोई इंतजार कर रहा होगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है मुकेश मल्स का। जी हाँ, मुकेश मल्स की कहानी 1870s की है। ये कोलाबा में लोकेटेड एक टेक्सटाइल मिल थी जो कि मूलजी भाई माधवानी ने बनाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, पर इसमें डिस्प्यूट अभी भी है। जो 18th सेंचुरी 1982 में आग लगने की वजह से बंद हो गया था। अब एक जाना माना शूटिंग स्पॉट है जहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, पर इनके अलावा ये मुंबई के टॉप लिस्ट वांटेड प्लेसेस में भी गिनी जाती है। यहाँ पर एक्टर्स भी ढेर देर रात शूटिंग करने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि एक बार शूटिंग के वक्त एक क्रू मेंबर पोजेस्ट हो गई थी और उसने अपनी आवाज बदलकर काफी ही डरावने तरीके से ऐसा कहा था कि सब यहाँ से चले जाओ। उस दिन के बाद से सारे एक्टर्स और लोग यहाँ देर रात शूटिंग करने और रुकने से काफी कतराते हैं। तीसरे नंबर पर आता है टावर ऑफ साइलेंस। ये वो जगह है जहाँ मरे हुए पारसी समुदाय के लोगों को लाया जाता है और उन्हें नियम अनुसार किद यानी वल्चर्स उन्हें खा जाते हैं। पारसी समुदाय का मानना होता है कि उन्होंने जो भी नेचर से लिया है उन्हें वो वापस कर दें, इसलिए उनका ये प्रोसेस रखा गया। ये जगह बिल्कुल ही सुनसान होती है और रात के वक्त काफी डरावनी भी हो जाती है। मुंबई के मलाबार हिल में स्थित ये जगह है जहाँ शायद ही अंधेरा होने के बाद कोई जाता है। ऑल्दो अब तक यहाँ कोई भूत या स्पिरिट होने का कोई न्यूज या कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, पर यहाँ से गुजरने वाले हर लोगों को एक अनीस और डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च जो कि अंधेरी में स्थित है। 1579 में बनी सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च जो कि 1840 में एक महामारी के वजह से खाली कर दी गई थी, ये जगह एक ब्राइड की स्पिरिट यानी दुल्हन की आत्मा के कब्रों में लिए जानी जाती है जो वहां के गुजरते हुए लोगों को डराती है। इनसे मुक्ति पाने के लिए 1977 में वहां एक लोग के लोगों ने एक्सोर्सिज्म कराया था और उसके बाद लोगों ने वहां जोर से चीखने की आवाज सुनी थी और फिर पानी में गिरने की जोरदार आवाज आई। उसके बाद वहां के लोगों ने कभी भी उस स्पिरिट को नहीं देखा, पर आज भी लोगों का यहां मानना है कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। आखिरी नंबर पर आता है डिसूजा चौक जो माही में लोकेटेड है। डिसूजा चौक जो कि लेडी ऑफ वेल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज यहाँ पर एक औरत थी जो वहाँ पे एक कुएं में पानी भरने वक्त गिर गई और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। माही में चौक मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज आती है उस औरत को देखे जाने की। पर दोस्तों घबराने की बात नहीं है बिकॉज ये एक नॉर्मल स्पिरिट है, अच्छी स्पिरिट है जो लोगों को डराती नहीं है, बस अपना प्रेजेंस फील करती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। लाइक एंड सब्सक्राइब, देखते रहिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।